Bismillahirrahmanirrahim. This is Iltaf Chachan, your English teacher. This session is actually we have started in order to teach you about all the basic points from the scratch. That we are going to begin these points are from nothing, from the zero point that we are going to start all the points from the minimal to maximum. That we are going to continue these points. From the basic of grammar to the complications of grammar, complexities of grammar, that we are coming towards them. Here we are going to discuss first of all about grammar, and grammar, the fine definition of grammar will be descriptive structure of any language. This doesn't mean that the art of writing, in old days it was used as art of writing. त पुराने ॾींहनि में हाणे जेका जदीद इन जी डेफिनेशन आहे मॉडर्न उहा ई आहे त डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज. ठीकु आहे, बेसिकली जेको वर्ड आहे ग्रेमर इहो निकितल आहे मिसाल तौर ते इट इज़ टेकन आउट फ्रॉम ग्रामेटिका विच मीन्स आर्ट ऑफ राइटिंग. हिन जो मक़सदु इहो हुयो त इहो आर्ट ऑफ राइटिंग जेको ग्रेमेटिका निकितो हुयो माना त शुरूआत में फ़लसफ़े में एट द टाइम ऑफ द ग्रीक उन ई दौर में इहे जेको ग्रेमेटिका इस्तेमालु थींदो हुयो दिस वॉज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी आर्ट ऑफ साइंस दिस वॉज़ आर्ट ऑफ राइटिंग हुयो फिलोसफिकल तौर ते इस्तेमालु थींदो हुयो यानी हिन जी जेका लैंग्वेज सां उहो फंक्शनल तौर ते को अहिड़ो को ख़ासि रिलेशन कोन हुयो त इहो बाद में अंटिल मिडिल एज जॾहिं इहा मिडिल एज आई हुई ऐं पोइ हिन जी डेफिनेशन इहा चेंज थी वई माना ऐं हीउ जेको इस्तेमालु थियो त उन ई वक़्तु सेट ऑफ सम सर्टेन रूल्स इन लाइ असां इस्तेमालु कयो पर सेट ऑफ सम सर्टेन रूल्स यानी कुझु अहिड़ा रूल्स हुजनि by which the language can be functional. पोइ उन लाइ असां इस्तेमालु कयूं पिया मिसाल दिस वॉज़ यूज़ एज़ ग्रेमर. ठीकु आहे, त हीअ उन ई दौर में अंटिल मिडिल एज. हाणे मिडिल एज किथां खां शुरू थी हुई, दिस वॉज़ फ्रॉम 11th सेंचुरी टिल 15th सेंचुरी. 11th खां वठी करे 15th में AD में हीअ जेको इस्तेमालु थियलु हो त इनखे असां मिडिल एज चवंदा. इन में जेके बि ग्रेमेरियंस आया हुआ या लिंग्विस्ट्स आया हुआ उन पोइ लैंग्वेज खे चेंज करे करे आर्ट ऑफ राइटिंग मां हिनखे चेंज करे करे इट वॉज़ यूज़ फॉर द फस्ट टाइम फॉर लैंग्वेज. त लैंग्वेज लाइ हिकिड़ी इस्तेमालु थी हुई त उन जी मीनिंग इहा हुई त सेट ऑफ सम सर्टेन रूल्स इन जो मक़सदु इहो हुयो माना. ठीकु आहे, अच्छा उन ई खां बाद वेन द लैंग्वेज वॉज़ लिंग्विस्टिक्स वॉज़ इंट्रोड्यूस जॾहिं लिंग्विस्टिक्स इंट्रोड्यूस थी हुई हाणे लिंग्विस्टिक्स चइबो आहे स्टडी साइंटिफिक स्टडी अबाउट पर्टिक्यूलर लैंग्वेज कंहिं ॿोली जे बारे में तव्हां पढ़ो उनखे असां लिंग्विस्टिक्स चवंदासीं. वैन लिंग्विस्टिक्स वॉज इंट्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ द होल व्यू ऑफ द ग्रेमर दैट वॉज कंप्लीटली चेंज ऐं उहो मुकमल तौर ते चेंज थी वियो ऐं उन ई वक़्त खां बि ग्रेमर वॉज़ कंसिडर्ड ए साइंस छो त लिंग्विस्टिक्स ख़ुदि जेका आहे त उहा साइंस आहे माना. ठीकु आहे, ऐं खोड़ अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके लिंग्विस्टिक्स सां रिलेटिड आहिनि. फॉर एग्ज़ाम्पल वी टॉक अबाउट साउंड सिस्टम फोनोलॉजी, वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स मॉर्फोलॉजी, वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस सिंटेक्स, वी टॉक अबाउट मीनिंग हाउ टू यूज़ देम इन देयर कॉन्टेक्स्ट दैट इज़ ए सिमेंटिक्स. ठीकु आहे, वी टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज प्रेगमेटिक्स आर वी टॉक अबाउट डिस्कोर्स अनेलिसिस आर वी टॉक अबाउट सोशियो लिंग्विस्टिक्स वी टॉक अबाउट साइको लिंग्विस्टिक्स त इहे जेके बि इस्तेमालु थींदा आहिनि त वी टॉक अबाउट पेडोलॉजिकल ग्रेमर मीन्स द लर्निंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज विच आर एक्चुअली यूज़ इन ग्रेमर त पोइ उनखे असां चवंदासींस लिंग्विस्टिक्स. हीउ हिकिड़ो मिसाल तौर ते कंपाउंड वर्ड आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ शाखूं अची वञनि थियूं पयूं ऐं उनजे बारे में लैंग्वेज जे बारे में हर एस्पेक्ट खां असां पढ़ूंसि उनखे लिंग्विस्टिक्स चइबो आहे एंड दिस इज़ साइंटिफिक स्टडी This is not the study of art. त पोइ अहिड़ी तरह ग्रेमर इज़ द पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक्स. ग्रेमर बि जेको आहे न त दिस इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स. हीअ बि ब्रांच आहे लिंग्विस्टिक्स बि त अहिड़ी तरह दिस इज़ कंसीडर्ड टू बी एज़ साइंस
तई भी साइंस कंसीडर कबी आए बाबा तो उन्हीं में जैसे ग्रेमेरियंस हुआ उन्हीं वक्त जहाँ इट मीन्स अलमोस्ट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम अगो वेन दे डिस्क्राइब द ग्रेमर एज डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज हाँ इनके अस चवंदी इट मीन्स वेन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज हाँ मिसाल तौर पर इतने असो जुमलो लिखा था पाया द आई एम अ स्टूडेंट हाँ इनके अस खड़ूस था पाया आई है बाबा दिस इज सब्जेक्ट इन सेंटेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज नाउन फ्रेज भी थी वो वर्ड क्लासेस में ही असके प्रोनाउन भी थी वो ठीक है उन दिस इज यूज एज द एजेंट इन एक्टिव वॉइस तो ही मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स का अस इनके डिस्क्राइब क्यूस था पाया मन ठीक है तो अड़ी तरह से एम खड़ूस था पाया दिस इज वर्ब फ्रेज एंड दिस इज यूज एज auxiliary verb this shows your existence ke show kare to payo mana theek ha this also shows your kind of the state ke show kare to payo mana ta edi tarah hi jeko asan istemal kayo sta paya aim jo istemal hi hua hai a student hai misal taur te here we talk about noun phrase in noun phrase aahe ta po further inake vari asa hi article istemal thindo aahe ए सागो ही डिटर्मिनर भी आए बाबा उन्हें खो बाद स्टूडेंट है दिस इट्सेल्फ इज यूज्ड एज नाउन ही नाउन तौर इस्तेमाल क्यों था पाया एंड दिस इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड दिस इज यूज्ड एज कॉमन नाउन तो अड़ी तरह अस जैसे डिस्क्राइब कर दिस मीन्स यर एज डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज इनके अस चवंदे डिस्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एनी लैंग्वेज सो दिस इज एक्चुअली यूज एज ग्रेमर तो अड़ी तरह अस यो ग्रेमर के डिफाइन क्यूस था पाया हाँ इन फर्दर हलूस था पाया इन अस मिसाल तौर पर हाँ अस हलूस था पाया तो इनजो कुछ कैटेगरीज आन कैटेगरीज ऑफ ग्रेमर ठीक है हाँ इन कैटेगरीज ऑफ ग्रेमर इट मीन्स वी आर टॉकिंग इन जो टे कैटेगरीज दीज आर थ्री कैटेगरीज हाँ इन जी पे कैटेगरीज है कैटेगरी है दैट वन इज प्राइमरी कैटेगरी इन प्राइमरी कैटेगरी वाट डू वी फोकस we always focus word classes and like word classes bhi chahiye hua hai baba and this is also called as lexical categories aina ke yo bhi chahiye hua hai misal to we also call this one as पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके अस टे चवंदी वर्ड क्लासेस लेक्सिकल कैटेगरीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी पे प्राइमरी कैटेगरी है पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ व्हाट अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके अस डिफाइन क्यूस था पाया इन में वरी जो वे बन एक होंद मिसाल तौर पर ओपन वर्ड क्लासेस एंड क्लोज वर्ड क्लासेस व्हाट अबाउट ओपन वर्ड क्लासेस एंड क्लोज वर्ड क्लासेस हाँ ओपन वर्ड क्लासेस में जो इस्तेमाल थी वा वी टॉक अबाउट नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब अड़ी तरह verb means we talk about verb adjective noun adjective adverb ye chari ye ke achi winda they are coming into the category of open word classes and close me keda achi winda we talk about pronoun
determinants and articles, preposition, conjunction, ये जगह भी आए, pronoun, determinants, articles, preposition, conjunction, they are coming into the closed word classes, ये closed word classes में अची वा हाँ इन छो अस ओपन वर्ड क्लासेस चूं था पाया क्लोज वर्ड क्लासेस अचो तो थोड़ा इन अस डिस्कस क्यूंस एक्चुअली ही जो अस इन ओपन चूंस था पाया तो दीज आर ओपन वर्ड क्लासेस वो इन करे तो मीन्स दे आर ओपनिंग फ्रॉम वन वर्ड क्लास टू एनदर वर्ड क्लास माना इन मकसद यो है ये ओपन एकड़े का बे तई कें ओपन आन एकड़े का बे तई हाँ मिसाल तौर तो अस इतो वर्ड यूज क्यूंस था पाया मिसाल ब्यूटी ठीक है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में छाती वो नाउन अच्छा उन्हीं को बाद अस वरी बो लिखूस था पाया इन मा ही वर्ड जो है वो ब्यूटीफाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में छाती वो यो थी वो वर्ब ठीक है वरी उन्हीं का अगत अस हलूस था पाया वरी लिखूस था पाया तो ब्यूटिफुल ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में छाती वो एजेक्टिव उन अगत अस हलूस था पाया लिखूस था पाया ब्यूटिफुली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में छाती वो एडवर्ब थी वो मीन्स फ्रॉम वन वर्ड क्लास नाउन का वर्ब भी ठही सके तो पो वर्ब में एजेक्टिव भी ठही सके तो पे एजेक्टिव में एडवर्ब भी ठही सके तो पो यानी एकड़े वर्ड क्लास में खोड़ अस वर्ड क्लासेस ठायूस था पाया माना ठीक है यानी नाउन में वर्ब वर्ब में एजेक्टिव एजेक्टिव में एडवर्ब ये एक बे से इंटररिलेटेड आन एक बे से ये ताल्लुक रखन था पाया तो इन कर ओपन वर्ड क्लासेस चवंदासीस माना ठीक है बाकी तुम ऐसो न मीन्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोनाउन जैसे अस प्रोनाउन गाल क्यों था पाया तो प्रोनाउन में अस कदें भी कंजक्शन ना ठा सकूस या प्रोनाउन में अस कदें भी एडवर्ब ना सकूस या प्रोनाउन में कदें भी अस वर्ब ना ठा सकूँ प्रोनाउन में कदें भी एजेक्टिव ना ठा सकूँ माना ठीक है तो ये प्रोनाउन थो ये एजेक्टिव थो ये आर्टिकल्स थो अड़ी तरह ये प्रेपोजिशन थो मीन्स दे आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ये मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट आन ये इन कर क्लोज चाहबान छो पान तहदूद आन माना प्रोनाउन में मिसाल तौर जो तुम्हें कोई भी वर्ड क्लास ना ठही सके तो पान तहदूद आन तो इन कर चवंदासीस माना क्लोज वर्ड क्लासेस तो ये ब इन जो कैटेगरीज आज जो अस इस्तेमाल कह माना ओपन वर्ड क्लासेस क्लोज वर्ड क्लासेस नाउ दिस बिलोंग्स टू प्राइमरी कैटेगरी ये बिलोंग कन था पे प्राइमरी कैटेगरी में अच्छा उन बाद अस हलूस था पाया हाँ वी आर गोइंग टू फोकस यर सेकेंडरी कैटेगरी ठीक है सेकेंडरी कैटेगरी मीन्स वी टॉक अबाउट मोर दैन प्राइमरी कैटेगरी जेका प्राइमरी कैटेगरी का वधीक हो जे माना हाँ इन में अस फोकस कंदासीस वी आर टॉकिंग मेन फोकस विल बी ऑन सेंटेंस जो अस वर्ड का वधी करे सेंटेंस ते कंदासीस माना हाँ सेंटेंस में मिसाल वी टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ते गाल कयूंस ठीक है वी टॉक अबाउट टेंस we talk about kinds of sentences misal taur te compound thiyo simple thiyo compound thiyo theek hai ai complex thiyo compound complex thiyo sahi jeke bhi istemal thian tha paya they belong to secondary category mein achi banan tha paya तो ये जदें भी अस वी आर कंप्लीटली ओवरकमिंग द इंटायर स्ट्रक्चर एज वेल एज द इंटायर व्यू ऑफ द सेंटेंस दैट वी हैव कंप्लीटली ओवरकम इट तो उनके अस सेकेंडरी कैटेगरी चवंदासीस माना आफ्टर सेकेंडरी कैटेगरी देन वी हैव टू गो टूवर्ड्स एनदर कैटेगरी विच इज कॉल्ड टू बी एज फंक्शनल कैटेगरी इनके अस फंक्शनल कैटेगरी चवंदी सेंटेंस में ठीक है हाँ फंक्शनल कैटेगरी में इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन मोर देन
सेंटेंस देखो, सेंटेंस का परिवधिक हो गया। हियर फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट पैराग्राफ, वी टॉक अबाउट एसे, वी टॉक अबाउट प्रेस राइटिंग एंड वी टॉक अबाउट लेटर राइटिंग। मीन्स द होल कंपोजिशन विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल कैटेगरी। सभी जी का सारी कंपोजिशन थी मेरी वह कैसा चवंदासी मिसाल तौर पर फंक्शनल कैटेगरी। तो हाँ ये जो भी आई मीन्स वी कॉल देम एज प्राइमरी कैटेगरी एंड देन सेकेंडरी कैटेगरी एंड देन फंक्शनल कैटेगरी। ये जो भी आई तो ये कैटेगरीज आई दे आर कमिंग इन पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वर्ड क्लासेस एंड देन सेंटेंस स्ट्रक्चर आर टेंस एंड देन फंक्शनल कैटेगरी मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पैराग्राफ। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटायर कंपोजिशन द इन इंटनी के असा के मिसाल तौर पर फोकस करनो आए माना। तो हाँ ये गाल याद रखना जड़ी आ पे जी बेसिक है जो प्राइमरी है उनके अस चवंदे मिसाल तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लासेस उन बारे में उनके डिस्कस कंदी तवो इंट्रो क्लास हो सुे पा इन डिस्कस कंदी तो पर्यों तो यो समझी वी नाउन है या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है यो कुछ पा पढ़ी वासी। देन वी आर गोइंग टुवर्ड्स इन डिटेल अबाउट नाउन। तो नाउन में अस डिटेल में वासी तो उन में मिसाल उन काइंड्स कड़ा सिंगुलर प्लूरल थो जेंडर्स थो केसिस नाउन केसिस पार्टिंग उनकी अस सजी कंदी उन बाद एपोस्ट्रॉफी जो इस्तेमाल है वो अस पढ़ासी नाउन में उन बाद एरर्स थियन थी पे सिंगुलर प्लूरल में एपोस्ट्रॉफी में या जनरली एरर्स थियन थी पे नाउन में अस उन बारे में सीखासी अस प्रोनाउन से हलंदासी अड़ी तरह तो एतरे तीन तुम इन फोकस कजो सुे पा इतना शुरुआत कंदी ओतरे तीन अल्लाह हाफिज़।